अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन। वैसे पालक चिकन मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना रखी है, दूसरा वर्जन है वो, और ये दूसरे स्टाइल में बना रही हूँ, वो भी चेक कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। वैसे पालक तो हम लोग रेगुलरली खाते रहते हैं, आई एम श्योर आप भी खाते होंगे, तो मैंने पालक दाल भी बनाई। अगर आपने वो ट्राई नहीं की है, बहुत ही बड़ी चीज मिस कर दी है सच्ची में, तो वो भी ट्राई कीजिएगा, उसका लिंक भी मैं पालक दाल का डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी ट्राई कीजिएगा। और हाँ, तीसरी बार मैंने भाजी गोश्त बनाया, वो भी बहुत अच्छा बनता है, खट्टी वट्टी भाजी डाल के बहुत ही मजेदार बनता है, चटपटा भी बनता है, तो वो भी ट्राई कीजिएगा, उसमें भी पालक डाली हुई है, तो वो भी बनाइएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, वहां मिल जाएगा आपको, बनाए खाए खुश रहे। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, आधा किलो चिकन धोई हुई है, नितारी हुई, इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये मिर्च पाउडर ज्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नींबू छोटा सा ही था तो मैंने आधा निचोड़ा है, बड़ा हो तो 1/4 ही निचोड़िएगा। और इसे सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर मैरिनेट करने आधे एक घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए, आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 तेजपत्ता, 1 छोटी डांडी दालचीनी की, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिरी और आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा। ये सारी चीजें डालकर फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की छुंदा प्याज करके रखी थी साइड पर, वो डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून डालकर इसे मिक्स कर लीजिए, हल्का मैंने पानी डाला है कि प्याज ज्यादा लाल ना हो जाए, मिक्स कर लीजिए और इसे भी बहुत अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लीजिए, कच्चेपन की खुशबू चले जाए वहां तक भून लीजिए। उसके बाद 2 टमाटर मीडियम साइज के, उसको छील निकाल कर बहुत अच्छा बारीक काट कर इसे डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट तक टमाटरों को फ्राई करें। ये साइड पर मैंने पालक बारीक काट कर रखी है जो 2 जोड़ी। अब ये जब अच्छे से हो जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ साइड पर जो हमने चिकन रखी है मैरिनेटेड, वो सारी डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट तक भूनिए, बार बार चलाते रहिए। हल्का मैंने पानी भी डाला है, जो भी लगा हुआ था पतीली के अंदर सारा चलाकर इसमें डाल दिया और बार बार चलाते रहें, उसे भूनते जाएं। हल्का जब आपको लगेगा 3-4 मिनट के बाद नीचे चिटकने लगा है, हल्का हल्का लगने लगा है, बस वहां तक ही आपने इसे भूनना है, तब तक तो तेल भी इस तरीके से छूट जाएगा। जब वो हो जाए 3-4 मिनट में, 2 जोड़ी पालक को बारीक काट कर डाल दीजिए। वैसे तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम पालक है, इसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया था साफ करने के बाद और इसको नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था, उसके बाद इसको बारीक काटा था। ये डालकर चूल्हा मीडियम पर ही है, मिक्स कर लीजिए अच्छे से और इसे तब तक पकने दीजिए जब तक ये जो पालक है ना, इसका पानी नहीं छूट जाता। जब पालक का पानी छूट जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है और तकरीबन ऑल द मोस्ट चिकन भी गल चुकी है, एक बार मैं चला लेती हूँ। इसको है ना चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और आधा कप पानी डाल दीजिए और इसमें एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हा फिर से कर दीजिए स्लो आंच, नमक नहीं डाला है राइट हमने, तो थोड़ा नमक भी डाल दीजिए और जब एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे तकरीबन 12-15 मिनट पकने दें या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तब तक। 14-15 मिनट हो चुकी है, देख सकते हैं चिकन गल चुकी है। अच्छा, ग्रेवी पतली लगे तो आप इसे मीडियम आंच कर सुखा भी सकते हैं ग्रेवी को, मुझे परफेक्ट लग रही है। तेल कम डाला था तो हल्का ही छूटा है तो परफेक्ट है। नमक चख लीजिए, कम लगे तो डाल दीजिए। मैं यहाँ 2-3 हरी मिर्चों को स्लिट मारकर डाल रही हूँ, बढ़िया सा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे गर्मा गर्म एक प्याले में निकाल लें और रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे मेरी ये रेसिपी तो लाइक करना ना भूलिएगा मेरे ये वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे ये वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड और शेयर कीजिए। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।